आगे जब सब कुछ हो गया, मैंने ना लिटरली ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता ना, वो हेलमेट वेलमेट पहन के वो भी दे दिया। उसके बाद एक बंदा पीछे से आके बोलता है, भाई इसका जो डेट है ना वो कल का डेट था। एक मिनट डॉक्टर। तो अभी मैं और अंशुल आए थे ये प्रिंट आउट निकालने के लिए, वो फॉर्म के कौन से दो फॉर्म से प्रिंट आउट निकालने के, तो यहाँ पर ही मेरे घर के बाजू में यहाँ ये वाला है 016, तो वहाँ पर जाके प्रिंट निकाल। फॉर्म फोर लाइक प्रिंट लेते, हमें फॉर्म फोर का प्रिंट लिया ही नहीं गया हम लोग से, मैं गलती से भूल गए हम लोग। सो अभी फॉर्म फोर का प्रिंट लेने के लिए आरटीओ में जा रहा है और कल वापस यही आ रहा है, क्योंकि लकीली अपना टेस्ट का जो डेट मिला है वो कल का ही मिला है, तो फिर अपन फिर से आने वाले यहीं पर टेस्ट देने के लिए। तो ये ले ले ले, तो ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ से मैंने अपना फॉर्म फोर लिया है, फॉर्म फोर के लिए मैंने 20 रुपया पे किया है। तो ये अभी तक के सीन्स है, अभी वापस जाना है प्रिंट आउट लेने के लिए, क्योंकि तभी प्रिंट आउट मिला ही नहीं है, क्योंकि प्रिंट आउट वाला जो था उसका जो प्रिंटर खराब हो गया था शायद, तो अब होपफुली ठीक हो गया रहेगा, तो अभी जाके प्रिंट आउट ले। तो प्रिंट वगैरह लेकर मैं डायरेक्टली घर पर आ गया, एंड जो दोपहर का अपन लंच करते वो अभी मैं 5:30 बजे किया, एंड अभी सोचा कि कुछ एडिट कर लूँ कुछ फाइल्स। एंड एक तो सबसे पहली बात कि जब से वो समझा कि कल ही लाइसेंस का टेस्ट है, तब से फटी पड़ी है, ऊपर से अपना लैपटॉप ये सब दिखा रहा है, मतलब क्या ही अभी बात करूँ। तो इसको देख के मेरे को ऐसा धक-धक हो रहा है ना, एक तो जब से वो लाइसेंस का सुना ना इसी मतलब फटी पड़ी है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ो, अभी मैं कुछ वीडियो एडिट कर लेता हूँ, देन आप एक काम करो, जब तक मैं वीडियो एडिट करता हूँ आप जाओ कल के दिन पे, एंड कल के दिन पे मेरी असलियत में कितनी फटी है वो जाके देख लो। बाय, जाओ जाओ। हाँ बोलना। अरे काम कर, 3 पेट्रोल पंप छोड़, 3 अपना का भी छोड़, मेरा 11:30 का टेस्ट है, 11:20 का टेस्ट है और 11:40 हो गया है, इससे अच्छा मैं पहले पहुँचता हूँ और तू भी पहुँच डायरेक्टली, ठीक है। हाँ मेरे को डायरेक्ट आरटीओ में मिल, चल 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 भाई। सो गाइस मेरे साथ अंशुल नहीं था, तो मैं अभी मनन को पूछा कि मनन अवेलेबल लाइक वो है कि नहीं है। सो मैं अभी जस्ट वो कॉलेज से निकला, एंड देन उसको बोला कि डायरेक्टली आरटीओ आ जाए, तो मेरे साथ कोई तो होगा, लाइक सर टाइम भी पास हो जाएगा उसी के साथ, अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है यार आरटीओ के काम में, एंड ऑल्सो मेरे साथ कोई है ही नहीं, एंड देन अगर मैं टेस्ट देता रहेगा तो कुछ वो लाइक फाइल्स वगैरह अगर इधर उधर हो गए तो मेरे लग जाएंगे, इसलिए मनन को कॉल किया, एंड मनन इज ऑन हिज वे, शायद ऐसा उसने बोला है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं यार तो अपन कर लेंगे मैनेज। तो कुछ अलग ही स्कैम हो गया। स्कैम मतलब क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं रहा, लाइक छोड़ो यार बात करते बाद में। तो स्कैम का बात पहले बाद नहीं करते, तो पहले मैं जिस शख्स को बुला रहा था कॉल करके वो मेरे साथ आ गया मनन। तो बात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कल हम लोग ने बुकिंग किया, मैंने अंशुल जैसे कि आपने देखा थोड़ी देर पहले, तो उसमें कैसा सीन हो गया था, हम लोग ने 10 तारीख लिया, एंड 10 लाइक स्लॉट बुकिंग मिल गया स्लॉट, उस खुशी में हम लोग भूल ही गए कि तारीख कौन सी, एंड हम लोग ने 10 का ही कर लिया जो कि कल था, एंड आज 11 है अभी इधर, तो मतलब उधर ही पूरा अलग ही लेवल का, उस पर इतना गुस्सा ना मोटे को मारने में, बट अंकल की उम्र ज़्यादा थी इसलिए छोड़ो जान दो, अपना ही गलती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एंड देन मैं अभी बाहर गया था वो लाइक उसका डेट चेंज कराने के लिए, वापस कुछ होना नहीं चाहिए इसलिए इधर से ही करा लेते, जो भी है अच्छा ही होगा, जो भी होगा ठीक है, तो इसलिए वापस उधर गया, एंड देन वहाँ पर कर लिया, एक जगह बता रहा था मेरे को 100 रुपया बता रहा था, एंड एक अभी दूसरी जगह बता रहा था वो 50 रुपया, और मेरे को अभी डेट जो मिला वो 23 तारीख का डेट डायरेक्टली मिला। 100 रुपये वाले बंदे के पास हम लोग 2 बार गए, उसको 2 बार हम लोग ने स्कैम किया, 2 बार उसको हम लोग बोले कि कम कर कुछ कम कर, फिर अंशुल को भी कॉल किया तू कर सकता है क्या पैसे बचाने की जगह, बट हुआ ही नहीं, बाद में 50 रुपये दिया, एंड देन उधर हो गया जो होना था, एंड देन थैंक यू मनन आने के लिए, अभी चाहिए था एक्चुअली मेरे को चाहिए था कोई तो, कि मतलब अगर कुछ हेल्प लगे इन केस अर्जेंटली तो फिर कोई तो चाहिए था मेरे साथ, एंड देन मनन आ गया, अभी डायरेक्ट अभी 23 को ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा, देखते हैं अभी, तो चलो तब तक मिलते हैं। सो राइट नाउ आई एम एट लाइक आरटीओ ऑफिस, बोलते हो थोड़ा अजीब लग रहा है बट हाँ फिर से आ गया, एंड लाइक आज का तो दिन है ही,
तो मैं जल्दी आ गया एक्चुअली, मेरा 2 बजे का टाइम था, थोड़ा फॉर्म में एक इंस्टा लाइक ये था क्या बोलते उसको करेक्शन से, तो क्योंकि पिछली बार जब किया था तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो करेक्शन सॉल्व करेंगे पहले एंड देन उसके बाद टेस्ट वगैरह देते, जल्दी आने का फ़ायदा उठा दे थोड़ा। ये चेहरे की मुस्कान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ रहेगा, लाइक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया जस्ट एंड क्या हो गया, अच्छा एंड पास हो गया ऐसा लग रहा है। पर एक बात बता दूँ, जो मेरा टेस्ट था वो था नॉन गियर का इसलिए बिकॉज आई हैव नो प्लान्स ऑफ राइडिंग एनी बाइक फॉर नेक्स्ट 7 to 10 years, ऐसा मेरा प्लान है। बिकॉज पहले करियर बना लेंगे एकदम मस्त कोच, फिर स्टाइल मार लेंगे, अपने स्वैग भी कंटिन्यू कर लेंगे 7-8-10 साल बाद, तब तक बहुत जमा करना है अपने को, बहुत आगे जाने का, फिर कुछ अच्छा था बहुत बहुत अच्छा था कुछ लेंगे और तब लाइसेंस निकालेंगे डायरेक्ट। तो मेरे को अभी जाने का है एक ठोके सर करके सा इधर के है उनका, ये लेने के लिए साइन लेने के लिए एंड देन वो सीधा सा फॉर्म का मेरे को एक जेरोक्स निकालना है एंड उसके बाद जाके, ताकि उनसे अगर घूम हो जाए तो मेरे पास कुछ सेफ साइड रहे एंड उसके बाद वो सबमिट करके अपन पास हो गए एकदम प्रॉपर। मैं बार बार आके यहाँ पर इसलिए ब्लॉग कर रहा हूँ एरिया में, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉग करना या फिर वीडियो निकालना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ऐसा मेरे को एक ने बंदे ने बताया, लाइक आई वॉज वीडियो शूटिंग ऐसे मैं ब्लॉग बना रहा था, सो हिटेड कि यहाँ पर नहीं करना क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो तेरा जो पास हुआ ना वो ले लेगा, अब लाइक फेल कर देगा मेरे को, मैं डर गया। मतलब अभी अभी इतनी खुशी हुई नहीं, ऐसा फालतू का चीज़ नहीं चाहिए। और ऑल्सो ये टेस्ट काफ़ी जल्दी हो गया यार, 1 घंटे में पूरा हो गया, अगर आपके सब फॉर्म है अच्छे से सब ओरिजिनल है तो 1 घंटा भी नहीं लग गया, मेरे को 1 घंटा लग गया क्योंकि लर्निंग लाइसेंस को मेरे को पूरा 1 दिन लगा था। मैं आया था 11 बजे सुबह और गया था घर पर 5:30-6 बजे, ऑफिस बंद हुआ और मैं भी तभी गया था, तो ये अब अच्छा लग रहा है, जल्दी हो गया। अभी एक वीडियो शूट करना है थानेकर का, अगर आपने अभी तक, ये तो थानेकर के बाद ही आएगा बट ऑब्वियस, तो आपने थानेकर नहीं देखा तो जाके थानेकर देखो मस्त, मैंने थाने के ऊपर हर मस्त सीरीज बनाया है, 5 एपिसोड बनाए थाने के 5 जगहों के, तो वो अभी लाइव है, अब आप जाके देख सकते हो उसका टीजर ट्रेलर सब कुछ, टीजर ट्रेलर तो वहाँ का सब आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, मेरे को फुल गारंटी, फुल एकदम बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंट। माय व्हीकल और ये है मेरा हेलमेट, मैंने आज ये हेलमेट लाया था ताकि ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, एंड यू हैव टू ड्रॉ 8 ओवर हियर, लाइक फ्रॉम यहाँ से आपको स्टार्ट करने का, ऐसा 8 कुछ जो दिख भी नहीं रहा अभी, ऐसा कुछ 8 बनाना था मेरे को भी टास्क। तो बस इतना इस वीडियो के लिए, आई नो छोटी सी वीडियो बनी है, कैसी बनी है क्या बनी है रियली डोंट नो, बट अपलोड तो बिल्कुल होगी क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस है। हाँ भैया हॉर्न बजा दे, और लाइक अभी मैं उधर इसलिए नहीं एंड कर रहा वीडियो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गर्दियाँ ने, जो आप पीछे देख सकते हो काफ़ी लोग चलते हुए जा रहे, ये लोग ऐसे ही चल नहीं रहे, काफ़ी लाइक शायद किसी पद यात्रा होती है ना, साई बाबा को जाते हैं लाइक शिरडी को जाते हैं वो सब होगा शायद, आई गेस मैं ज़रा परफेक्ट नहीं हूँ, अगर मैं गलत रहूँगा तो मुझे सही कर देना। आज 22 तारीख है, आज के दिन कहीं तो कुछ तो होगा, तो आप कमेंट करके बता देना अगर आप थाने से देख रहे हो और इस बारे में आपको जानकारी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर अब तक किया नहीं।